हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एलएनटी की तरफ से, लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से। यहाँ पे रिसेंटली ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे लगभग 1350 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप 2023 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और ये फ्री का फॉर्म है, आपको यहाँ पे एक रुपया भी पे नहीं करना। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने आईटीआई किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है और ऑल ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, फॉरमैन का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, और भी अदर पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, इन सारे पॉइंट पे हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का जो टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका जो भी ट्रेड है उसको कमेंट करके बता देना, और आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। इवन मैंने सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एलएनटी कंस्ट्रक्शन की तरफ से, यहाँ पे बल्क में हायरिंग देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, वी आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल लाइक यू। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको दो डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। पहला जो डिपार्टमेंट रहेगा आपका रहेगा प्रीकास्ट का, जिसके अंदर मैनेजर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका जूनियर इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको फॉरमैन का पोजीशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और इंजीनियर की पोजीशन के लिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, आप एलिजिबल रहेंगे। मैनेजर की पोजीशन के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, फिर एमईएमटेक कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी दो यहाँ पे पोजीशन दे रखे हैं इंजीनियर का और यहाँ पे फॉरमैन का, उसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा जो डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा इरेक्शन का डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। मैनेजर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, एमईएमटेक कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आप इंजीनियर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर की पोजीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, एलिजिबल रहेंगे। सीनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर आपने बीबीटेक कर रखा है,
MEMtech कर रखा है, आप एलिजिबल रहेंगे। और फॉरमैन की पोजीशन के लिए अगर आपने ITI किया किसी भी ट्रेड के अंदर, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो मेल आईडी दे रखी है, इन दोनों मेल आईडी पे आपको अपने CV को साइन कर देना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके पास अगर जो भी CV है, रिज्यूम है, उसको आप यहाँ पे दोनों मेल आईडी पे साइन कर दीजिएगा कवर लेटर के साथ। और बिना कवर लेटर आप सेंड मत करना, कवर लेटर के साथ ही आपको सेंड करना पड़ेगा। अब कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवन मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कवर लेटर लिंक करके भी दे रखा है, ठीक है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और इवन आपका जो भी BBTech किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना। और BBTech किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो BBTech को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि CV कैसे आपको, रिज्यूम CV कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और CV को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई PC नहीं चाहिए, ये आपका CV का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस से इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर। फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने BBTech डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। हम बता रहा हूँ कि आपको मेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहां पे कंपोज का, तो आपको यहां पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको करना क्या है, तो आपको यहां पे लिखना है जो भी आपका मेल आईडी रहेगा, जिस भी मेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं, जो मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके यहां पे 2 के बाद आपको यहां पे मेल आईडी डाल देना है। देन फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर आता है कंपोज ईमेल, तो आपको मैंने जो कवर लेटर दिया है उसको आपको यहीं अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपको कवर लेटर को कर देना है कॉपी। आप इसको एडिट कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको एडिट करना है। नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है। डियर सर मैम ये आ जाएगा और नेम को हटा के आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आपको CV को कैसे अटैच करना है। ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अटैच फाइल का, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिस भी ड्राइव के अंदर आपका CV है, रिज्यूम है, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डायरेक्ट का, सेंड का, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। ये डायरेक्टली आपका मेल सेंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।